हिमाचल विशेष में आपको मनाली की सैर पर ले चलते हैं। अटल रोहतांग टनल पर्यटकों की पहली पसंद बनी है। 15 महीने में करीब 17 लाख पर्यटक टनल का दीदार करने पहुंचे। इस खास रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश की अटल टनल पर्यटकों की पहली पसंद बन गई है। ये टनल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। 15 महीने में करीब 17 लाख पर्यटक टनल पहुंचे। दिसंबर 2021 में ही करीब 2,75,000 लोगों ने टनल का दीदार किया है। 10,050 फीट की ऊंचाई पर अटल रोहतांग टनल बनी है। अटल टनल अब तक की दुनिया की सबसे लंबी टनल है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 10,050 फीट की है। ये किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत ने अटल टनल बनाकर अपना नाम रोशन किया है। ये भारत के लिए किसी उपलब्धि से भी कम नहीं। इस टनल में काफी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है, तो चलिए अब इस टनल की खासियत आपको बताते हैं। रोहतांग दर्रे को भेदकर अटल रोहतांग टनल का निर्माण किया गया। 10,050 फीट की ऊंचाई पर अटल टनल दुनिया की पहली ट्रैफिक टनल है। साल में 6 से 7 महीने दुनिया से अलग थलग होने वाला जनजातीय जिला लाहौल स्पीति अब साल भर कनेक्टेड रहता है। टनल से पर्यटन व्यवसाय को भी पंख लगे हैं। रोज हजारों सैलानी लाहौल की बर्फीली वादियां निहारने के लिए आते हैं। टनल में हर आधे किलोमीटर पर इमरजेंसी टनल बनाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से दोनों तरफ कंट्रोल रूम भी इस टनल में बनाए गए हैं। टनल में हर 150 मीटर पर 4G सुविधा, 68 मीटर पर CCTV कैमरे लगाए हुए हैं। इससे मनाली और लेह के बीच का 46 किलोमीटर का सफर भी कम हुआ है, यानी कि 4 घंटे का सफर कम हुआ। भारतीय सैनिक आसानी से भारत चीन की सीमा पर भी अब पहुंच सकते हैं। तो सामरिक दृष्टि से भी ये टनल अति महत्वपूर्ण है, और इससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार को भी पंख लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।